एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है, दैट इज क्वांटम नंबर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वांटम नंबर क्या है और क्वांटम नंबर की जो डिफरेंट टाइप्स है इसको मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूं। अब देखना, क्वांटम नंबर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास, मैं जनरल लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा है और बंदे को मैं बोलता हूँ पर्सन है। कौन है? कोई पर्सन है। उस पर्सन की या उस बंदे की, उस शख्स की या उस लड़के की आप लोगों ने डिटेल लेनी है। यानी आपको कोई बोलेगा कि ये एक बंदा है और इसकी डिटेल मुझे चाहिए, तो उस बंदे की डिटेल के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? बंदा जिस कॉलोनी के अंदर रहता है, जिस गांव के अंदर रहता है, उस गांव को आप लोगों ने सबसे पहले जाना है। ये कंडीशन है कि उस बंदे की डिटेल आप लोग ले रहे हो। एड्रेस आपसे कोई पूछ रहा है, सबसे पहले आप लोग उसके कॉलोनी के अंदर चले गए। कॉलोनी के अंदर दूसरी जगह पर आप लोग चले गए उसके घर के अंदर। किसके अंदर? घर के अंदर। बंदे को एग्जैक्ट देखने के बंदा है कहां पर। घर में भी आप लोग पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद फिर उस बंदे के रूम को आप लोग पहुंच गए। किसको पहुंच गए? कमरे को पहुंच गए। और कमरे में जिस जगह पर वो सोया हुआ है, जिस चारपाई के अंदर है, जिस बेड के अंदर है, उस तक आप लोग पहुंच गए। अब इस बेड तक पहुंचना डायरेक्ट आप लोग के लिए बहुत मुश्किल काम है। इस तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले उसके गांव जाने, फिर घर जाने, फिर कमरा जाने, फिर बेड जाने और फिर उसको तलाश करने। सेम इज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन। इफ यू वांट टू सर्च इलेक्ट्रॉन और इफ यू वांट टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम, यू विल डू दिस सेम थिंग। व्हाट टू मीन, यानी मतलब क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को समझा। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन की तलाश में हो। इलेक्ट्रॉन की तलाश के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के जिस जगह पर रहते हैं उस गांव को जाना है, और उस गांव या जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो चीज क्या होती है? वो होते है एटम। आप लोग एटम के अंदर चले गए। एटम के अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें होती है, दो पार्ट्स होते हैं और तीन पार्टिकल्स होते हैं। पार्ट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस या शेल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होते, कहां पर होते? शेल के अंदर होते। तो फिर आप लोगों ने दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन के लोकेशन देखने, फिर आप लोग पहुंच गए कहां पर? शेल के अंदर। अब शेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के सब शेल होते हैं। फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट देखने कि वो एटम के अंदर कहां पर है। सेम इज द केस, एटम, कॉलोनी, शेल, होम। उस होम के अंदर फिर आप लोग किधर चले गए? उस होम के अंदर आप लोग सब शेल के अंदर चले गए, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल होते हैं। अब सब शेल में भी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी है, यानी घर के कमरों में भी बहुत सारे कमरे होते हैं। कमरों में भी आप लोगों ने उस कमरे को जाना है जिस कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या चीज है? ऑर्बिटल। ये आम डेली लाइफ से, और ये आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करनी। इन सारी चीजों को, आइडिया को लेते हुए हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन जो है उस तक पहुंच गए। क्वांटम नंबर क्या है? सब में ये मैं क्वांटम नंबर की डिफिनीशन की तरफ आप लोगों को लेके जा रहा था। मैं लिखता नहीं हूं, मैं क्वांटम नंबर की डिफिनीशन आप लोग कर लेता हूं, क्योंकि जो चीज बुक के अंदर अवेलेबल है उसको लिखने की जरूरत नहीं, टाइम ज़ाया हो रहा है। क्वांटम नंबर अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दे डिस्क्राइब कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी आप लोग को इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के बारे में बताते हैं। क्वांटम नंबर क्या है? असल में यही काम है, यानी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को बता रहे किसी एटम के अंदर। आप लोग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट जो पोजीशन है उस तक आप लोग पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर आए कहां से, या ये जो क्वांटम नंबर है इसको हम डिराइव कैसे करते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर तीन प्रिंसिपल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं डी ब्रॉग्ली इक्वेशन, दूसरे को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरे को हम बोलते हैं जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करते हैं उसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो क्वांटम नंबर है, सारे क्वांटम नंबर नहीं, तीन क्वांटम नंबर चौथे को छोड़कर, आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो क्वांटम नंबर है, दे आर डिराइव विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है एटम के न्यूक्लियस के, उसका जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्टैंडिंग वेव की तरह होते हैं। मैं समझाता हूँ। अब श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की, जिसको मैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है नहीं लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, ये है पार्शियल डिफरेंशियल डी एक्स स्क्वायर, यहां पर डी स्क्वायर साई। साई क्या है? साई आप लोग को एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है।
ये पार्शियल डिफरेंशियल साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशियल साई। ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको पता है डिफरेंशियल का, सेकेंड ईयर में पढ़ते रहते हैं, डी वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशियल साई, साई क्या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी और साथ में साई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट, ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो स्टैंडिंग वेव है उसके बिहेवियर को आप लोगों को बता, मतलब ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उसकी मूवमेंट कुछ ऐसी होगी, ये स्टैंडिंग वेव की तरफ है, यहां से यहां तक जो रास्ते है ना इसको हम बोलते हैं साई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं। ये वैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तीन जो है तीन वेरिएबल है। अब ये जो तीन वेरिएबल है विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी कैन डिराइव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमेटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीन जो है ना ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से असल में डिराइव हुए, और चौथा जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर उसको हमने उसके बगैर यानी वो क्या हुआ है ओनली क्वांटम विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं है, बाकी सारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव हुए। और क्वांटम नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया वो है क्या चीज। अब एक एक क्वांटम नंबर की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन जहां पर पड़ा हुआ है यानी इधर तक हमने आना है इलेक्ट्रॉन के बेड तक सारे क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सबसे पहले, यहां इस प्रिंसिपल को अगर आप लोग देखते हो ये और आप लोग का जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो एक चीज है और वो भी सरबरा होते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, बाकी सारे टीचर है ये उनका प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ कुछ इंफॉर्मेटिव बातें और कुछ यहाँ पर जनरल सी बात है और कुछ यहाँ जो है ना इसके बारे में जो डिस्कशन है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। पहली बात यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर बाय नील बोहर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन एन, इसको स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी क्वांटम नंबर, और ये हमें क्या बताते हैं, इट शो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल हमें कौन बताते हैं, नंबर ऑफ शेल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मतलब सर, इनकी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती और इनकी वैल्यू जो है ना वो कभी हाफ नहीं हो सकती, ये भी एक क्वांटाइज फॉर्म में जिस तरह हमने सारे पढ़ लिए ना, ये क्या चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब मैं बार बार कह रहा था रेडियस को कैलकुलेट करते हुए, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए, हाइड्रोजन वाले में सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज आप लोग पढ़ोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताते, एन की वैल्यू वन हो सकती है, एन की वैल्यू टू हो सकती है और एन की वैल्यू थ्री और अप टू सो ऑन, फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ये हमें क्या बताते, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताते हैं। अब अगर आप लोग देखते हो एन की वैल्यू अगर वन होगी उस शेल का नाम भी आपको आना चाहिए, उस शेल को हम बोलेंगे के शेल, क्या चीज है के, और अगर एन की वैल्यू टू होगी तो या इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल, इसी तरह ये एम, यहां से आप लोग को पता चल रहा है एन की वैल्यू वन होगी तो किसी एटम के अंदर जो शेल का नंबर है वो एक होगा, एन की वैल्यू टू होगी तो शेल का मतलब नंबर ऑफ शेल टू होगी, एन की वैल्यू थ्री होगी तो शेल नंबर थ्री होगा, और ये शेल नंबर और शेल नंबर के साथ साथ ये आप लोग को पीरियड नंबर भी बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सॉरी यानी एटम का एटॉमिक नंबर से और उसके शेल नंबर से आप लोग को उसके पीरियड नंबर का भी पता चलता है। ठीक, ये बात होगी यानी के एल एम एन ओ पी क्यू अप टू सो ऑन। दूसरी बात ये है कि ये आप लोगों को साइज ऑफ एटम यानी रेडियाई ऑफ एटम के बारे में बताते हैं। यहां पर देखो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो साइज ऑफ एटम है ये भी बढ़ेगा, यानी रेडियस क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा और इसी तरह इलेक्ट्रॉन शेल से दूर होते जाएंगे यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, इसके साथ साथ रेडियस साइज और साइज के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना वो भी क्या हो रही है वो भी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी साथ में कम होते जाएंगी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी साथ में कम होते जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, ये वैसे जनरल सी बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप लोग इस क्वांटम नंबर के जरिए से कैलकुलेट करते हो, उसके लिए ये फार्मूला है टू एन स्क्वायर, यानी किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम नंबर
वो इस फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल के शेल है, पहले शेल है, इनकी वैल्यू 1 होगी, तो जब आप लोग इनकी वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पहले शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने, वो है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सही। इसी तरह अगर आप लोग दूसरे के लिए पुट करो, यानी एल शेल के लिए, यहां पर जो एन की वैल्यू है वो क्या है, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 4, और 4 को जब आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 8। दूसरे शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी 8। इसी तरह आप लोग आगे जाओगे, आगे आगे चलते जाओगे, तो यहां पर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 के अंदर जो है ना 9 और 9 टू 18 हो जाएगी, और चौथे के अंदर अगर आप लोग देखोगे 2 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 को 2 के साथ 32। अब इसी तरह अगर आप लोग 5 को देखोगे तो 2 और 7 में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 यानी 50। इसका मतलब ये होगा 5 शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 4 तक ये फार्मूले अप्लाई होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप लोग आगे जाते हो तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होते हैं। मैं वीडियो को भी साथ में देख लेता हूँ कि नजर भी आ रहा है, यानी हाँ नजर आ रहा है, सही है। तो वहां पर आप लोग आगे जाओगे तो यहाँ पर फिर सब शेल जो है ना वो मैक्सिमम आज तक अभी तक जो डिस्कवर हुए वो 4 हुए, तो ये आगे 4 तक तो ये अप्लाई होता है, लेकिन 4 से आगे जब आप लोग जाते हो तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होते कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर। सिमिलरली ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी आप लोग को बता दे किसी शेल के अंदर, किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप लोग कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर मतलब ये है, पहला शेल है उसके अंदर आप लोगों ने ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ एन का स्क्वायर मतलब ये, पहले शेल एन 1 पुट कर लोगे, एन 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब है 1, तो पहले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं दैट विल बी 1, और आप लोग देखते भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका, पहले शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है वो 1 हो गए, ठीक। इसी तरह दूसरे की तरफ आप लोग जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल की मैं बात करो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो अगर आप लोग दूसरे शेल के अंदर देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप लोग के पास क्या हो जाते हैं, वो 4 हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो ना 4 किस तरह है कि एक पहले वाला हो गया और 2 कितने हो गए, 3 बाद वाले हो गए, सही है, या 3 बाद वाले नहीं, अगर आप लोग दूसरे शेल के अंदर जाते हो तो दूसरे शेल में एक एस होता है ना, एक क्या होता है, एस होता है, और एक पी होता है, एस सब शेल और पी सब शेल, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होते हैं और पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये ऑर्बिटल वाली बात यहाँ और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप लोग को समझ आ जाए, लेकिन मैं शॉर्टली आप लोग को ये कह रहा हूं कि किसी सब शेल के अंदर या किसी सब शेल नहीं किसी शेल के अंदर ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला, और सिमिलरली इस क्वांटम नंबर के जरिए से आप लोग एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एंगुलर मोमेंटम का तो आप लोग को पता है वो किसके बराबर है, वो बराबर है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π। इस इक्वेशन से आप लोग किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल n की वैल्यू लगानी है, और n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि n की वैल्यू आई कहां से और इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सारी बात होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि है क्या चीज और आप लोगों को क्या कुछ बताते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्या कर ली, ये मैंने आप लोगों को बता दी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल बाय फार्मूला, ये तो हो गया ना, और ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात हो। अब जाते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर बाय अ साइंटिस्ट व्हिच इज नोन एज समरफील्ड, इट इज डिनोटेड बाय अ साइन एल, इट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सबसिडरी क्वांटम नंबर, एंड इट शो नंबर ऑफ सबशेल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, एंड इट आल्सो शो टाइप ऑफ सबशेल। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को साथ साथ बताने वाला हूं, सही है। देखना पहली बात यह है कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपको सब शेल के बारे में बताते, शेल और सब शेल के अंदर आपको फर्क का पता होना चाहिए। शेल एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, इट इज द राउंडेड पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल, ये आप लोग के पास ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल। अब ये जो ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल है ना इसके अंदर सब शेल होते हैं,
और सब शेल के अंदर भी मजीद फिर ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल एस पी डी एफ जी एच आई जे के अप टू सो ऑन। लेकिन अभी तक जो हमारे पीरियाडिक टेबल के अंदर जो है हमारा काम पीरियाडिक टेबल के साथ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के साथ ही हमारा लेना देना है। तो अभी तक जितने भी हमारे पास सब शेल है वो चार है, एस पी डी और एफ, यही मैं कह रहा हूं, यानी सब शेल ये चीज है। अब देखो ये आपको सब शेल के बारे में बताया गया, यानी किसी शेल के अंदर सब शेल कितने, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और एल जो होता है ये बराबर होता है एन माइनस वन के, एल बराबर होता है एन माइनस वन के, यानी आप लोग एन से वन को माइनस करो तो वो एल आएगा, और एल की जो वैल्यू आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो आपको सब शेल क्या होगा, आप लोगों का कौन सा सब शेल होगा, ठीक। और नंबर ऑफ सब शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल वो भी मैं आप लोगों को आगे साथ में बताने वाला हूं। देखना पहले ये चीज समझो, अब अगर आप लोग एन की वैल्यू वन पुट करते हो, वन से आप लोग वन को माइनस करते हो तो एल की वैल्यू आएगी जीरो, समझो बात को समझो। इसी तरह ये एन की वैल्यू वन है, आप लोग क्या करते हो कि एन की वैल्यू को टू पुट करते हो, एन की वैल्यू को टू पुट करोगे तो एल बराबर हो जाएगा टू माइनस वन, एल की वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास क्या चीज है वन। मैं देखता हूँ ये नीचे नजर आ भी रहे हैं यानी पता नहीं चलते ना कि मैं लग रहा हूं और नजर ना है, सही है नजर आ रहे। इसी तरह अगर आप लोग देखते हो एन की वैल्यू में यहां पर थ्री पुट करता हूं तो एल विल बी इक्वल टू थ्री माइनस वन, आंसर विल बी टू। सिमिलरली एन की वैल्यू में यहां पर फोर पुट करता हूं तो एल विल बी इक्वल टू फोर माइनस वन, आंसर विल बी थ्री। एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है, दूसरी भी मैं समझाता हूं। देखो अगर एल की वैल्यू आप लोग के पास जीरो होगी तो जो सब शेल होगा देट विल बी एस, एल की वैल्यू अगर आप लोग के पास वन होगी तो सब शेल जो होगा देट विल बी पी, एंड एल की वैल्यू अगर टू होगी तो सब शेल विल बी डी, एल की वैल्यू फोर थ्री होगी तो सब शेल विल बी एफ, और एल की वैल्यू इससे ज्यादा मजीद ऊपर की तरफ आप लोग जाओगे तो इस तरह भी हो सकते, ठीक। इसी तरह आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी सब शेल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ये सब शेल हो गए यानी एल की वैल्यू एन के साथ जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दो तीन बातें और, एल की जो वैल्यू होगी ये कभी भी एन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती का मतलब ये अगर एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू जीरो होगी, कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती और एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, एल की जो वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। ये आगे मुख्तलिफ यानी एस पी डी और एफ सब शेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पहले ये नंबर ऑफ शेल हो गए और दूसरी तरफ दूसरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। और आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, देखो और ये चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, आप लोगों को पता है ये बराबर होता है टू इंटू टू एल प्लस वन। अब आप लोगों ने किसी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस पी डी एफ जी एच अप टू सो ऑन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फार्मूला आप लोग के पास अवेलेबल है, अगर इन फ्यूचर आ गए तो आप लोग इस फार्मूले को यूज करते हुए किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन अवेलेबल है। देखो अब यहाँ एस जो सब शेल है ना उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टू, साथ में टू, एल की वैल्यू एस के लिए कितनी वो है जीरो, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो और वन इसके अंदर ऐड करो, टू जीरो आर जीरो और जीरो के साथ वन को जमा करो, आंसर विल बी वन, टू वन आर टू। यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो एस जो सब शेल है ना, एस सब शेल इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे देट विल बी टू। इसी फार्मूले को पी के अंदर अप्लाई करो तो यहां पर टू और साथ में टू, एल के लिए पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है, यहां पर वन पुट करो और साथ में वन के साथ प्लस करो, अब टू वन जार टू और वन थ्री और टू थ्री जार सिक्स, तो यहां पर जो टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सब शेल के अंदर देट विल बी सिक्स। इसी तरह डी के अंदर आप लोग जाओगे तो डी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो टू इंटू टू और अब यहां पर एल की वैल्यू डी के लिए कितनी है वो भी टू है प्लस वन, टू टू जार फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव टू जार टेन, यानी डी जो सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने, वो है टेन, वो कितने टेन है।
ये जो सारी बात होगी ना, ये किसके बारे में होगी? ये आप लोग के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में होगी। अब जो रह गए ना वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को वहां से मैं यहां ये चीज को मिटा के एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखना मैग्नेटिक को देखना, एक ने आप लोगों को शेल के बारे में बता दिया और दूसरे ने सब शेल के बारे में बता दिया, और साथ में शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, हमारा काम इलेक्ट्रॉनों के साथ है ना, और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसका आप लोगों को पता चल गया, इसका आप लोगों को पता चल गया। एक बात आप लोगों ने यहां पर एक दो बात तो रह गई ना, इट शो टाइप ऑफ सब शेल, टाइप ऑफ सब शेल की बात, इट शो शेप ऑफ सब शेल। अब सब शेप की शेप के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, यानी सब शेल के शेप का मतलब ये कि इस सब शेल है उसका शेप कैसा होगा, इसका शेप, इसका मतलब होता है स्फेरिकल। इसी तरह पी का जो पी सब शेल है उसका जो शेप है ना उसका वो होता है डम्बेल, बताऊंगा डम्बेल स्फेरिकल आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। डी का जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, डी का जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स, और एफ का जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये साथ में आपको सब शेल के किसके बारे में इसने आपको बता दिया, शेप के बारे में बता दिया किसने, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में। सब शेल के बारे में बातें खत्म होगी और शेल के बारे में भी खत्म होगी। अब आगे जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम है लेंट एन ज़ीमन, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MRML, इट इज आल्सो नोन एज टर्शियरी क्वांटम नंबर। अब ये आपको क्या बता रहे, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, और साथ में टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। क्या मतलब सर, आप लोग क्या करते हो, ये कोई सब शेल है, कोई भी फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई सब शेल है, ये जो नजर अभी मैं बना रहा हूं ये इस तरह होता नहीं असल में, सही है। आप लोग कोई भी सब शेल है और इस सब शेल को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद ये सब शेल स्प्लिट हो जाते हैं मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर, या जिसको आप लोग ज़ीमन इफेक्ट भी बोलते हो, जब आप लोग किसी भी उसको पास करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड से तो स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बारे में बोहर मॉडल आप लोग ज़ीमन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं कि आप लोग उससे मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हो, उसके बाद क्या होता है सब शेल के बारे सब शेल के साथ, तो वो आप लोग को नहीं बताते। अब आप लोग इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद इसकी डायरेक्शन इधर गया इधर गया इधर गया, कितनी डायरेक्शन में गया या नहीं गया, इसके बारे में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं किस तरह। सर देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं ना ये भी डिपेंड करते एल के ऊपर, और ये कैसे होते हैं, ये दरमियान में जीरो होगा और इस साइड पर अगर आप लोग आओगे तो माइनस एल, और इस साइड पर आओगे तो प्लस, प्लस माइनस उधर भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो जीरो माइनस एल और प्लस एल की तरफ आएगी। क्या मतलब सर, देखो अगर मैं एस सब शेल है, एस सब शेल और यही जो ओरिएंटेशन है ना, यही जो वैल्यू है, इससे आप लोगों को नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल का पता चलता है। एक फार्मूला भी है लेकिन इधर से भी आप लोगों को पता चलता है, दोनों तरीकों से मैं बता दू। लेट सपोज ये आप लोग के पास एस सब शेल है और एस सब शेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है दैट विल बी जीरो, तो यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सिंपल है, यहाँ प्लस और माइनस तो है नहीं ना, प्लस माइनस तब होगा, जीरो से आप लोगों ने प्लस की तरफ जाने और जीरो से आप लोगों ने माइनस की तरफ आने। अब अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो होगी, जीरो रिप्रेजेंट करते सिंगल ऑर्बिटल को, तो ये जो सब शेल है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, इस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, और वाकई एस सब शेल है तो एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अब सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल होते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूं पहले ऑर्बिटल के बारे में। देखो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एस सब शेल है, वैसे आप लोग ऐसे लिखते हो, और एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग पी सब शेल को देखते हो तो पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते, तीन ऑर्बिटल होते, पी एक्स पी वाई और पी जेड। मैं आगे आप लोग को शेप भी समझा रहा हूँ, तो सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल होते हैं, और यही ऑर्बिटल है असल में आप लोगों के पास जिसके अंदर ऑर्बिटल की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। द स्पेस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल, इज नोन एज व्हाट,
नोन एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल खाली नहीं होगी यहां पर इलेक्ट्रॉन होगी। देखो इस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। अब देखो एम की वैल्यू पी के लिए आप लोग लिखोगे तो पी के लिए जो एम की वैल्यू होती है एल की वैल्यू होती है देट विल बी व्हाट देट विल बी प्लस वन। प्लस वन नहीं एल की वैल्यू प्लस साइन तो हम लिखते नहीं है तो पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एल की वैल्यू वन होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी एक जीरो होगी एक आप लोगों ने उसको आगे जाने आगे आप लोगों ने प्लस वन की तरफ प्लस इधर भी लिख सकते हो मर्जी आप लोग उधर भी लिख सकते हो और साथ में माइनस वन। अब ये माइनस वन जीरो और प्लस वन ये असल में आप लोग क्या बताते नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताते किसी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे यानी इस पी सब शेल को अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो ये तीन फर्दर जो है ना लाइन के अंदर इसकी स्प्लिटिंग होगी इसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन तीनों साइड पर होगी ऊपर नीचे और इस साइड पर। इसका मतलब ये है जो पी सब शेल है ना उसके अंदर तीन ऑर्बिटल है ये जीरो प्लस वन और माइनस वन ये आप लोगों को असल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताते किसी सब शेल के अंदर। सिमिलरली अगर आप लोग एल की वैल्यू टू पुट करो एल की वैल्यू टू का मतलब ये डी सब शेल के लिए किसके लिए मैं देख लू नजर आ रहा है यानी बार बार इधर आ रहा हूँ आ रहा है। देखो एल की वैल्यू टू मतलब है कौन सा ऑर्बिटल है कौन सा सब शेल है ऑर्बिटल नहीं डी सब शेल है तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी एम की वैल्यू आप लोग के पास हो जाएगी जीरो और जीरो से टू की तरफ आने इस साइड पर भी टू की तरफ आने प्लस वन प्लस टू और माइनस में भी टू की तरफ आने माइनस वन और माइनस टू तो टोटल नंबर आप यहाँ पर ऑर्बिटल जो हो गए ना वो कितने हो गए पांच हो गए और वाकई डी सबशेल के अंदर जो है ना पांच ऑर्बिटल होते हैं। मैं आगे आप लोगों को डी सबशेल का जो डायग्राम वगैरह ये चीजें समझाऊंगा तो उधर से समझ आ जाएगी। और वैसे अगर अभी मैं यहाँ डी सबशेल इस तरीके से बना लूं तो ये डी सबशेल है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते इसके अंदर पांच ऑर्बिटल होते पी के अंदर तीन होते पी एक्स पी वाई और पी जेड। नेक्स्ट लेक्चर हमारे ये जो ऑर्बिटल की शेप है इसके बारे में सही है ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर ये वाला हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने डी सबशेल के अंदर पांच ऑर्बिटल है। इधर से एम की वैल्यू से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो एम की वैल्यू जीरो भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है ठीक और एम की वैल्यू कभी एल की वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती एम की वैल्यू एल की वैल्यू के बराबर हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती आ बराबर हो सकती है ना आ बराबर हो सकती है सही लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती और एन की वैल्यू से तो कभी बड़ी नहीं हो सकती वो क्योंकि वो एल के साथ उसका लेना देना। दूसरी जो बात है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल इस फार्मूले से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो किसी सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने उसके लिए आप लोग ये फार्मूला भी पुट कर सकते हो सिंपल है। अब अगर आप लोग एल के लिए एस के लिए एल की वैल्यू देखो तो वो जीरो है यहाँ पर आप लोग जीरो पुट करो तो जीरो पुट करने से टू टू यहाँ पर जीरो यहाँ पर वन तो इसका मतलब ये टू जीरो जार जीरो और जीरो प्लस वन वन तो यहाँ पर जो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा देट विल बी व्हाट देट विल बी टू ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल है तो यहाँ सब शेल के अंदर तो दो ऑर्बिटल नहीं है यार ये क्या हो गया नहीं टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन नहीं है ना वो तो दूसरा वाला फार्मूला है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब शेल के अंदर सही है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल के लिए ये वाला फार्मूला है टू एल प्लस वन। अब यहाँ पर देखो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है वो जीरो है यहाँ पर पुट करो तो टू और साथ में यहाँ पर जीरो प्लस वन तो इसका आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया वन जो एस सब शेल है ना उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरह यहाँ दूसरा जो सब शेल है पी सब शेल उसको पुट करोगे तो इसके लिए वन पुट करोगे टू वन जार टू और साथ में वन तो पी सब शेल जो है उसके अंदर ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे तीन आ जाएंगे यहां से भी आप लोग कर सकते हो यहां से भी आप लोग कर सकते हो। अब ये सारी बातें हमने कर ली अगर आप लोग को एन की वैल्यू का पता चल जाए तो एन की वैल्यू को लेते हुए हम इलेक्ट्रॉन की एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और एल की वैल्यू के साथ फिर हम एन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और जब हमें एन की वैल्यू का पता चल गया शेल का पता चल गया एल की वैल्यू का पता चल गया सब शेल का पता चल गया एन की वैल्यू का पता चल गया ऑर्बिटल का पता चल गया अब बेड के अंदर भी इंसान कैसे सोया हुआ है इस साइड पर सोया हुआ है या इस साइड पर सोया हुआ है फिर आखिर में हम इसकी स्पिन भी मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर है वो ऐसा है या वो ऐसा है सारी बातें क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद मैंने कहा हमें पता चलेगी।
तो स्पिन क्वांटम नंबर को जब मैं आप लोग को समझा दूंगा तो यहां तक आप लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, मालूम हो गया कि कौन सी जगह पर है। अब देखो वो है कैसा, तो इसके लिए एक दूसरा जो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं डिराइव हुआ, आर्बिट्रेरी वो डिराइव हुआ, उसको बोलते स्पिन क्वांटम नंबर विच वार डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड अम्बेलक और इट इज डिनोटेड बाय साइन एस, इट शो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है ना लाइट चलेगी। देखो ये स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव नहीं करते, और ये जो स्पिन होगा ये प्लस वन बाय टू भी हो सकते हैं, माइनस वन बाय टू भी हो सकते हैं, इसके अलावा प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग लिख सकते हो, लेकिन प्लस थ्री बाई टू भी हो सकते हैं, माइनस थ्री बाई टू, प्लस सेवन बाई टू, माइनस सेवन बाई टू, प्लस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, ये सारी वैल्यू हो सकती है। देखो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर, तो उसके दो तरह के स्पिन हो सकते हैं, या ये जो लिखा होता है असल में ये स्पिन होते हैं, या ये क्लॉकवाइज मोशन कर सकते हैं, या क्लॉकवाइज ये होगा इस तरह, या ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल के अंदर, ये पहले प्रिंसिपल आगे आप लोग को बताते हैं, उनकी स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती, एक अगर क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो प्लस वन बाय टू है ऊपर की तरफ होगा इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और माइनस वन बाय टू को हम क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस जो है ये आर्बिट्ररी वैल्यू है, इससे कोई आप लोग का लेने देने नहीं। अगर किसी जगह पर माइनस वन बाय टू या एंटी क्लॉक के लिए या प्लस वन बाय टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे जो डिफरेंशिएट है किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी डिफरेंशिएशन के लिए हम असल में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, देखना इससे मैं एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ और साथ में बाकी बातें, लेकिन एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर किसी एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मीन टू से ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी दैट विल बी ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज मोशन ड्यू टू द यूनिवर्सल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि हमारे जो अर्थ है ना ये सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन करती है, तो उसी को लेते हुए हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा जब आएगा वो क्लॉकवाइज होगा, ये एक बात हो गई। और साथ में किसी शेल के अंदर दो, किसी ऑर्बिट के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और ये बात इसके बारे में होगी। अब देखो मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं, फॉर एग्जांपल यहां से मैं एमसीक्यूज के तौर पर समझा, तो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 17 इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो इसकी अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 3s2 और 3p5। अब आपको कोई कह रहा है कि मुझे बताओ इसका जो 17th इलेक्ट्रॉन है, 17वां इलेक्ट्रॉन है, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसकी ज़ूमिटल क्वांटम नंबर की, उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की और उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे बताओ, तो कैसा करना है आप लोगों ने। सबसे पहले ये जो 17 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन दो को मैं लिख ही लेता हूं, 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए, अब ये हीलियम तक हो गए, अब इसके बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये 12वां इलेक्ट्रॉन है, हॉर्नशुल के अकॉर्डिंग आते हैं। अब पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 13वां इलेक्ट्रॉन है, 14, 15, 16 और ये वाला 17वां इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है असल में क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन ही है। अब 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोगों ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो तो 3 हो गई, 3 हो गई ना, क्योंकि n 3 है तो प्रिंसिपल भी 3 हो जाएगा। दूसरी बात ये p सबशेल है, तो यहां पर जो ज़ूमिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी p सबशेल के लिए वो क्या होती है, p सबशेल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आप लोग के पास ये एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 भी हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस 2 भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, और इसी तरह अगर आप लोग इसका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लो तो पहला वाला ये है एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा वाला आप लोग के पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल ज़ूमिटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे एक और बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों के चार क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती, इनकी वैल्यू हमेशा के लिए से डिफरेंट होगी।
बाकी सेम हो सकते हैं, लेकिन एन की जो वैल्यू है ना ये इसके लिए क्या है वो डिफरेंट है, और एन की वैल्यू एल ये सारे के साथ बराबर नहीं हो सकती। ये था हमारा लेक्चर किसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।